তিনি কক্তিশালা ভারতীয় জনতা পার্টির মন্ত্রী বক্রক নরেন্দ্র মোদী আসে মাস হানুর সবই তিনি কক্তিশালা বিশাল বর্ষিপাহি জেলা হাঙ্গর হাবা নগপালে যাখা তে আবনে ইয়া উল বাইক রেলি বখলে যাখা অপান্দ ফাইমান যাখা গরম গুণান সিপাহি জলা সালগ্রা বাই হাঙ্কনি কাজকু গরম বমিক তে জি এস রাজেশ দেবরমা তে কুমনি আদমর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পিএম বিশ্বকর্মা যোজনা চালু করার জন্য আমরা অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। आज हम सब के और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और आज विश्वकर्मा जयंती भी है। आज के दिन विशेष करके यहाँ पर आज विशाल घर में हम उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ यहाँ के राज्य के सभापति समीर घोष जी भी हैं, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष गौरंग भूमिज जी भी हैं और साथ ही में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए, क्योंकि माँ भारती के सपूत जिन्होंने भारत माँ को आज एक अलग आयाम पर ले जाने का सपना को साकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी का जब जन्मदिन है और उस प्रधानमंत्री जी ने जब आज के दिन पे सभी लोगों को साथ में चलकर आगे बढ़ने के लिए, सभी गरीब लोगों को भी, गरीब तबके के लोगों को ऊपर उठाने के लिए आज ही जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा जो कौशल सम्मान योजना लागू कर रहे हैं उसके जरिए आज हमारे कार्यकर्ता में बहुत खुशी है। इसी कार्यक्रम के लिए हम सब यहाँ पर जो विशालगढ़ में जो हमारा जिला मुख्यालय वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर अभिभाषण हमने सुना और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर सारे ओबीसी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता सभी मिलकर यहाँ पर बाइक रैली करके धन्यवाद मोदी जी करेंगे और गाँव गाँव घर घर तक जाकर सभी को हमारे मोदी जी द्वारा जो लागू ये योजना है विश्वकर्मा योजना उसके बारे में जानकारी देंगे और सभी तबके के लोगों को साथ में लेकर भारत एक विशाल देश है और ये देश आज विश्वगुरु की ओर जब आगे बढ़ रहा है तभी आज ये महत्वपूर्ण योजना जब लागू हुई है विश्वकर्मा जयंती के दिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म के दिन, तो उन्हें जन्मदिन की हम लोग बहुत बहुत त्रिपुरा की ओर से, त्रिपुरा वासियों की ओर से, ओबीसी मोर्चा की ओर से और हमारी पेरेंट बॉडी भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत अभिवादन करते हैं, जन्मदिन की शुभकामना देते हैं। यहाँ पर युवा मोर्चा की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप का भी कार्यक्रम किया गया और इसी के जरिए हम चाहते हैं कि मोदी जी का आयुष्य लंबा हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो और वो माँ भारती की सेवा करते रहे। धन्यवाद।